भोपाल से हैं KN तिवारी जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम नमस्ते। हकीम जी नमस्कार सर। साहब को भी नमस्ते। हालत जय हिंद तिवारी जी, स्वागत है आपका। सही है, मिसेज कुछ दबा रही है, झूठ बोली थी कि मेरे से उनको एक बीमारी और है। उनको 3 साल पहले लकवा मार गया था बाएं अंग में, एक हाथ तो अभी भी उनका पंजा काम नहीं करता, ताकत नहीं आती, बाकी पंजे में चाहे जितना चुटकी काटो उनको दर्द नहीं होता। हाथ में तो अब जान आ गए, 3 साल पहले हुआ था। मेरे ख्याल से पाँव में भी उनके है, क्या ले रहे हैं वो? बाएं क्या ले रहे हैं, इसके लिए कोई एलोपैथिक दवाई चल रही है 4 साल 3 साल। ठीक है ठीक है बाकी आपका तो गोंद सी है, वो खा चुकी पौने 3 महीना, उसके लिए छिलका ना, दर्द के लिए अकड़न जकड़न होती थी, वो सब बंद हो गई, नहीं हो रही अब। बाबा, बहुत बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ देखिए, उन्होंने बीमारी छुपा ली, वरना ये जो बाकी रह गया है ये भी अच्छा हो सकता था। और देखिए, जिस उम्र में आप हैं, आपकी पत्नी हैं श्रीमती जी, तो इस उम्र में मैं जैसे अभी कह रहा था कि इसमें ये फाली जाता है, लकवा आता है, खून गाढ़ा हो जाता है, हार्ट ब्लॉकेज होने लगता है, ब्लड प्रेशर आता है और डायबिटीज़ आती है। तो मैं अभी प्रोग्राम की शुरुआत ही हुई है, मैं ये बता रहा था कि कलौंजी का सिरका 2-3 चम्मच लेना चाहिए हर किसी को, चाहे रोगी है या नहीं। तो ये 3 चम्मच कलौंजी का सिरका रात को पानी में मिला दें और एक चुटकी खाने का सोडा उसमें डाल दें। रोज़ाना एक खुराक रात को सोते समय इन्हें पिलाइए। जो बाकी मांदा इनकी परेशानी है वो भी अच्छी होना मुमकिन है। गौन स्या आप खिला रहे हैं लगातार, और भी खिला सकते हैं, और ये इनका खून पतला करेगा और बहुत सारे रोगों से हिफाजत करेगा, पेट भी अच्छा रखेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, दिल को मांझ के धो के बिल्कुल ताज़ा कर देता है, और ब्लॉकेज को के लिए बहुत अच्छा है, और डायबिटीज़ नहीं होने देता, होती तो कंट्रोल करता है, पेट के लिए बहुत अच्छा, लीवर के लिए बहुत अच्छा। ये देना शुरू कर दें, अच्छा वो पता चल गया, नहीं तो आगे जाके परेशानी हो सकती थी। आप ये इन्हें देना शुरू करें और फ़ायदा उठाएं। छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश जी हमारे साथ, स्वागत है आपका सर। जी मैडम, सिर जी सर बताइए, सवाल करिए। से नीचे जो बंठा है पर क्या अटका उसका? आप टेलीविज़न सुन रहे हैं? हम समझ नहीं पा रहे आपकी आवाज़। टेलीविज़न की आवाज़ कम करके फ़ोन पर बात कंठ करें। पे आपको सर अच्छे से हेतु बताइए, तकलीफ क्या है आपको? मेरे को तकलीफ ये है, सर्दी क्यों आता है और होता नहीं समझ में आया मुकेश जी, बिल्कुल क्लियर आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, आप थोड़ा ठीक से और बोलने का प्रयास कीजिए। ठीक है मेरा, जी मैं बोल रहा हूँ हाँ मैडम, शरीर है ठीक है हाँ मैडम, हाँ हाँ इसका ना मतलब दबाव जो होता है सांस लेने का जगह दब रहा है उसकी तकलीफ सांस की तकलीफ है। मतलब इसमें कुछ कीड़ा हो गया कि क्या है, उसे परेशान परेशान हो गया मैं। अच्छा, उम्र बताइए। जी उम्र मेरा उसका 29 है, 19, 29 29 मेरा 21 हुआ। सांस फूलता है आपका, क्या मैडम खांसी 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 रहती है, नज़ला कुछ रहता है। हाँ खांसी आता है। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा देखिए, एक अच्छा नुस्खा है, आप लिख लें तो आपका हुआ। एक चीज़ आती है, चार दवाइयाँ बता रहा हूँ, आप लिख लें जल्दी से। सपिस्तान एक दवा का नाम है, सपिस्तान,
और एक दवा दूसरी का नाम है उन्नाब, उन्नाब सपिस्तान उन्नाब और अलसी। अलसी तो आप जानते ही होंगे, तीन चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें, सपिस्तान उन्नाब अलसी, और इनको 100-100 ग्राम लें। 30 ग्राम पीपले लें, किचन में गरम मसालों में होती है, 1 सवा इंच की लंबी शहतूत जैसी पीपले, सपिस्तान उन्नाब अलसी और 100-100 ग्राम और पीपले 30 ग्राम, इनको पाउडर बना लें। सुबह खाली पेट गर्म पानी या चाय के साथ एक चम्मच खाया करें, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो रात को सोते वक्त भी एक चम्मच खाया करें इसका पाउडर। ये 6-7 महीने खा लें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। इसी के साथ अगले कॉलर हैं, रतन जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जय भारत सचिन सर। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हो रतन जी की। सर मुझे दो लड़कियों के बारे में पूछना है, महिला लड़कियां महिला कर सकते हैं आप उसे जी। 35 वर्ष की है, उसके नाभि के 4 इंच नीचे चर्बी की गांठें बन गए, उभर आया, मैं देखा तो नहीं लेकिन उनका कहना है कि एक इंच का उभरा हुआ ये है जो दाबने से दब जाता है और फिर अपने जगह पर चला आता है, क्या सर वो चर्बी की गांठें हैं सर, और इसका क्या उपाय है सर? दूसरी एक 40 वर्ष की है और अभी शादी नहीं हुआ उनकी, लेकिन उनका मेंस मैंने 2 साल से बंद है सर, ठीक तो ठीक। मैंने उसे तो वो हल्दी और दूध का नुस्खा बताया, लेकिन इससे क्या 4 सप्ताह में पूरा हो जाएगा ये नुस्खा काम करेगा या और लंबा जब करना पड़ेगा सर? ठीक है, बस आपका और कोई सवाल? ना 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 सर। देखिए बहुत सेवा कर रहे हैं आप लोगों की और भगवान आपको कामयाबी दे रहा है, और कल की कॉल आपकी मुझे याद है, आपने कैसे शख्स को जो अपनी जगह पर बैठे रहते थे उनके दर्द को महसूस किया और उन्हें बाजार जाने आने के लायक कर दिया, बहुत बहुत बड़ा काम है ये। मैं आपकी कॉल के बाद भी सोचता रहा कि कितने अच्छे इंसान हैं आपके, लोगों की घर जाकर खिदमत कर रहे हैं, गौन सिया से आपने उनको फ़ायदा पहुंचाया, और मुझे आपकी याद आती रही। बहरहाल चर्बी की गांठें के लिए ये लीजिए, जीरे का सिरका, जीरे का सिरका 2-2 चम्मच 2-3 बार दे सकते हैं दिन में, छोटे चाय के चम्मच, सब्र करें, और एनिमल फैट खाने को मना कर दें उन्हें। एनिमल फैट दूध घी और मक्खन और मांस में होता है, ऑयल यूज़ करें सब्जियों के ऑयल, तो उनको फ़ायदा मुमकिन है, वक्त लग सकता है, फ़ायदा होना मुमकिन है। और जिनको महीने की परेशानी है उनको रोज़ाना 2 चुटकी ये जो आपकी हल्दी आती है, 2 चुटकी हल्दी, 2 चम्मच कलौंजी का सिरका और 1 चुटकी खाने का सोडा रोज़ाना 1 बार दिया करें, खाने से पहले भी दे सकते हैं बाद में भी, और लगातार देते रहें, और वक्त लगेगा, शायद 3-4 महीने भी लग सकते हैं, इसे इस्तेमाल कराएं। भगवान से मदद मांगना बहुत ज़रूरी है, उनसे कहें, फायदा होना मुमकिन है। दिल्ली से हैं भारती जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्ते जी। जी नमस्कार मैम। हाँ वो मैंने थोड़ा सा अपने बेटे के बारे में पूछना था, वो उसकी एज 16 है 16 साल, उसकी विटामिन डी की कमी हो गई थी, वो जो लगभग 200 होना चाहिए 15 रह गया था, तो काफी उसको प्रॉब्लम थी, मतलब ग्रिपिंग भी नहीं आ रही थी हाथ में, जैसे पेन भी नहीं पकड़ पा रहा था, तो थोड़ा ठीक हुआ विटामिन डी, फिर बीच में अब दोबारा से हो गया, तो उसकी बॉडी में पेन रहता है और हड्डियों में थोड़ी आवाज आती है, कमर में दर्द ज्यादा रहता है। ठीक जी।
हाँ देखिए, एक तो उससे कहिए कि सेल फोन का इस्तेमाल करता है तो कम करें, कम से कम करें, और धूप में कम से कम 1 घंटा ज़रूर बैठें या पैदल चलें धूप में। पैदल नहीं चल सकते तो बैठ जाया करें धूप में, अगर सूरज के सामने नहीं बैठ सकते तो पीट करके बैठ जाएं, एक तो ये। और गोंद, स्याह, काला गोंद एक आता है जो नकली बहुत मिलता है, असली आप लें, आपकी जिम्मेदारी है। आधा ग्राम गोंद स्याह सुबह नाश्ते के बाद दूध के साथ दे दें, और आधा ग्राम शाम को, बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। 2-3 महीने लगातार दें, अगर पहले भी फ़ायदा हो जाए जल्दी भी तो 2-3 महीना दें, दूध से दें, फ़ायदा होना मुमकिन है। अगला कॉलर है हमारे साथ बिहार से, विनय जी, स्वागत है आपका। हाँ हेलो ना, नमस्कार सर। मुझे जो डेथ हो गया है प्रॉपर्टी का क्या दिक्कत है? दिक्कत है, वजन 1 किलो घट गया है। वजन घट गया है? जी उम्र कितनी है आपकी? उम्र 53। जी और कुछ तो और कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर ने कुछ बताया आपको क्या? डॉक्टर उसे कंट्रोल मतलब 311 था भोजन के बाद, फिर हुआ फिर चेक कराया जुलाई में तो 305 रहा था, अभी फिर चेक कराया। समझे आप? विनय जी आपकी बात समझ में नहीं आ पा रही है सर, थोड़ा अच्छे से बताइए, आपका वजन जो घट रहा है आपको डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर ने तो नहीं दिया एलोपैथिक का दवा जो खाया है, शुगर जो है थोड़ा सा डाउन था, 311 था उस समय टी में, 311 क्या 311 था? mg बाय DL जो खाना के बाद। शुगर? जी अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, शुगर को कंट्रोल करना ज़रूरी है, और शुगर पेशेंट को अपना वज़न कम करना चाहिए अपनी मेहनत से, पैदल चलकर और ये सब कर कर। शुगर अगर वज़न कम करेगी तो नुकसान पहुंचता है, और शुगर वाला अगर अपनी मेहनत से, मशक्क़त से, डाइट से वज़न कम करेगा तो उसको फ़ायदा पहुंचता है, ये भी एक तयशुदा बात है। तो डॉक्टर की दवाएं लें, अभी भी शुगर बहुत ज़्यादा है, और जामुन का गोंद लें, जामुन का गोंद ये ज़रा मुश्किल से मिलता है, नकली ना लें, असली लें, और एक चुटकी में जितना आए जामुन का गोंद सुबह अपनी दवाओं के साथ खा लें जो डॉक्टर की खाते हैं, और एक चुटकी शाम को, 2 बार ये जामुन का गोंद खाना शुरू करें। आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल काफ़ी तेज़ी से करता है। दुनिया में जो रॉ मटेरियल्स हैं, कच्ची दवाएं, तो उसमें मेरे अनुभव के अनुसार दुनिया की सबसे तेज़ असर है ये रॉ मटेरियल, जिसे जामुन का गोंद कहते हैं। शुगर वालों के लिए वरदान है, अपनी दवाओं के साथ एक एक चुटकी दिन में 2 बार खाया करें, सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। कोटा राजस्थान से हैं कमलेश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते, जी नमस्कार मैम। मुझे अपनी मम्मी के बारे में पूछना है। जी पूछिए मैम। मम्मी मेरी 82 साल की है, तो उनके गॉल ब्लैडर में पथरी है, कितनी बड़ी है? 10 mm बताए। ठीक है। और पैरालिसिस अटैक भी आया है 3 साल पहले उनको, और बीपी भी हाई है उनका। ठीक है। यदि कि काफ़ी उम्र है, ऑपरेशन भी नहीं करा सकते इस उम्र में, मुमकिन हो तो करा लें। पथरी काफ़ी बड़ी है, छोटी पथरी हो तो निकलना मुमकिन है गॉल ब्लैडर की, और बीपी और फालिज जो उनको हुआ है, और कोलेस्ट्रॉल, और इन सब
के लिए मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, सिरका लें कलौंजी का, दिन में दो बार दो दो चम्मच पानी में मिलाकर पी लिया करें। इनके बाकी रोगों पर कंट्रोल होना मुमकिन है, 6-7 महीने लगातार दें अपनी दवाओं के साथ तो उनको फ़ायदा मुमकिन है।